भारत सरकार के शुरुआती आंतरिक मूल्यांकन में कहा गया है कि थाईलैंड के साथ क्राक कनाल बनाने का चीन का प्रयास, जिससे व्यस्त मलक्का स्ट्रेट के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा, वो बीजिंग की रीढ़ कूटनीति का हिस्सा है और ये एक सफेद हाथी परियोजना में तब्दील हो सकती है। दरअसल क्राक कनाल परियोजना में एक ऐसी कनाल की परिकल्पना है जो थाईलैंड से होते हुए थाईलैंड खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ेगी और ये प्रोजेक्ट भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि ये चीन की 21वीं सदी की मैरिटाइम सिल्क रोड का नया दरवाजा है। भारत सरकार का मानना है कि ये कनाल एक और सफेद हाथी परियोजना में तब्दील हो सकती है। इसका मतलब किसी ऐसी चीज से है जिसकी लागत उसकी उपयोगिता से कहीं ज्यादा होती है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट में कहा है कि साफ जाहिर है कि चीन ऋण कूटनीति की चाल चल रहा है और ये सफेद हाथी परियोजना साबित हो सकती है। हम्बनटोटा और ग्वादर की बंदरगाहें, जिन्हें श्रीलंका और पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, क्राक कनाल के पीछे असली उद्देश्य को दर्शाती हैं। ऋण के बदले में क्रा इस्थमस पर अपना प्रभुत्व जमाना, एक ऐसा परिदृश्य जो एक राष्ट्र के तौर पर थाईलैंड की व्यावहारिकता पर भी चोट पहुंचा सकता है। भारत सरकार के इंटरनल असेसमेंट में ये कहा गया है, ये दावा किया जा रहा है कि इस कनाल से पूर्वी एशियाई देशों और OIOR यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के तटीय इलाकों को बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि कनाल से समुद्री परिवहन की लागत कम हो जाएगी। इसमें ये भी कहा गया है कि हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए ये बचत फासले में करीब 1200 किलोमीटर और समय में 72 घंटे की बचत होगी। असेसमेंट में आगे कहा गया है कि इस इलाके से तीन प्रमुख स्ट्रेट, मलक्का, सुंडा और लोम्बोक, अधिकतर समुद्री व्यापार मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो दुनिया में सबसे व्यस्त है। आगे ये भी कहा गया है कि अगर प्रस्तावित क्राक कनाल बन गई तो ये क्राक इस्थमस को दो हिस्सों में बांट देगी और मलक्का स्ट्रेट से बचते हुए SCS और अंडमान सागर को सीधे जोड़ेगी। भारत सरकार की इस रिपोर्ट में ये साफ किया गया है कि क्राक कनाल के प्रस्तावक जिन फायदों के दावे कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पूरी तरह सही ना हो और जाहिर तौर पर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा हो। इसमें कहा गया है कि ये परियोजना थाईलैंड के सामने बड़ी पर्यावरण समस्याएं खड़ी कर सकती है और समुद्री पर्यावरण और पर्यटन स्थलों पर भी बुरा असर डाल सकती है, और वो भी तब जब थाईलैंड की 20% से अधिक GDP पर्यटन पर आधारित है। भारत की रिपोर्ट थाईलैंड को एक तरीके से चेतावनी की तरह है, क्योंकि इस इंटरनल असेसमेंट में उन तमाम चीजों पर ध्यान दिया गया है जिसे चीन छुपा रहा है। भारत सरकार की इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि मलक्का स्ट्रेट से होकर जाने वाली समुद्री परिवहन में कुछ भी खर्च नहीं होता है, जो कि ये एक स्ट्रेट है। दूसरी ओर क्राक कनाल की $30 बिलियन की अपेक्षित लागत की वजह से कनाल से होकर जाने वाले व्यापारी जहाजों से भारी पैसा वसूला जाएगा, जैसा कि पनामा और स्वेज कनाल में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।